भैया पकाइए। भाई मोती भी बोटिंग का मजा ले रहा है। देखो मोती कैसे खेल रहा है गाइस। मोती जी क्या कर रहा है ये भाई? आओ मोती चलो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो तो ऐसा हो भाई। Hey guys, welcome back to my channel. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है हमारा बिहार टूरिज्म सीरीज चल रहा है, तो भाई आज एक और नए डेस्टिनेशन पे ले जाने वाले हैं अपने बिहार के खूबसूरत से डेस्टिनेशन पे गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज के सफर पे हमारे साथ मोती है और ये तेजस है और मम्मी है और टुक टुक है और दीदी भी है, वो रही अपनी गड्डी खड़ी। तो गाइस चलिए आपको लेके चलते हैं अब सीधा डेस्टिनेशन पे। अरे भाई हटो हटो मोती, जल्दी हटो, जल्दी वहां से हटो। देखो भाई, देखो गाइस मोती ड्राइविंग करेगा। अरे भाई हटो। तो गाइस यार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट लिए हैं क्योंकि नज़ारा दिखा इतना सुंदर। चलो आपको दिखाते हैं भाई, ये देखिए भाई, ये देखो शशुंदर को, दूसरा शशुंदर, ये स्क्रैच लगा दिया गाड़ी में। यहाँ देखो सेल्फी होते हुए फोटो, माय गॉड। देखो गाइस गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और ये मोती मम्मी अंदर ही बैठी हुई है। क्यों बे कुत्ते, स्क्रैच लगा के गाड़ी में कैसा लग रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। A few moments later. डैम इधर ही है भैया, डैम इधर। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही मुश्किलों से रास्ता ढूंढते हुए। गूगल मैप भी कभी कभी गलत बता रहा था और लोकल से पूछते हुए भाई रास्ता हम लोग पहुंचे हैं। तो गाइज यहाँ पे ये ब्रिज है डैम का जो बना हुआ है, यहाँ पे आओगे आप, गाड़ी आपकी यहीं पे पार्किंग है, यहीं खड़ी कर दो, ₹50 पार्किंग चार्जेस है यहाँ के। ये रहा दरवाजा, हरियाली पार्क ओढ़नी डैम बांका। आइए चलते हैं पानी के किनारे और वाटर एक्टिविटीज करते हैं गाइज। यहाँ पे गाइज आइसक्रीम वगैरह मिल रहा है, छोटा सॉर्ट ऑफ कैंटीन टाइप का है, रेस्टोरेंट टाइप का है। ये देखिए लेस के में लेजी नहीं है, वाह। यहाँ पे है खाने पीने का, भूख लगे तो आप खा सकते हो आराम से। मामा! अरे ओ भाई भाई ओ। अरे पूछ का भैया इसको करिए। मेल है, मेल दोस्ती हो गया तो। अरे भैया पकाइए। भाई अभी देखे अभी कांड हो जाता भाई, झगड़ा होने वाला था अभी दोनों मोती और जर्मन सेफर्ड में। होते होते रह गया, अगर उसका ऑनर ना आता तो पता नहीं कांड हो जाता कुछ। तो गाइस जैसे ही हम लोग नीचे नदी के किनारे पहुंचे, भाई साहब क्या ही नजारा दिखा था यार, मजा ही आ गया देख के, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बिहार में हैं। तो गाइस आप लोग भी अब सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो।
ये देखो तेजस क्या कर रहा है। ये भाई ये क्यों हिलाता ना, इतना ही कमजोर जंप था भाई, इतना घटिया जंप, मैं तो भाई पैदल चलते चलते क्रॉस कर लूं इसको। मोती चलो ये देखो गाइस कहां पहुंच गए हैं हम लोग, इतने मस्त जगह पे भाई। भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो तो ऐसा हो भाई, ना भीड़ भड़ाका कुछ नहीं, आराम से अपना। मामा अगर साइड से झपट्टा मारा तो कैसा, कहीं अगर साइड से झपट्टा मारा मगरमच्छ तब तो सिस्टम हैंग हो जाएगा गाइस। सिस्टम हैंग ना, हम ही लोग हैंग हो जाएंगे। अबे साले, तो ये देखिए गाइस मोती पानी में उतरना चाह रहा है अभी। टुक टुक, डर गई क्या? आ जाओ चलते हुए। मले जा मले स्टिंगरा है, उससे सुपारी निकाल के बात कर। अरे 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 एमडी मोहम्मद घोष, एमडी बोले एमडी मोहम्मद घोष। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। राजा देखो मोती कैसे खेल रहा है गाइस। ज्यादा भीग जाएगा भाई, मोती भीग जाएगा, मोती भीग जाएगा, गाड़ी में बैठोगे तो पूरा कीचड़ कीचड़ कर दोगे। अरे यार चलो कोई नहीं, एक बार आया बेचारा, देख लो गाइस कितना मस्त एंजॉय कर रहा है मोती। देखो 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 इसको देखो, टुक टुक रानी। क्या नाम है गाइस आपका? ओके देख लो इसको, कहीं भी चैन नहीं है, हर जगह से दौड़ते रहना है। मम्मा एक बात बोले नहीं बोलना बंद। तो गाइस अभी चलते हैं बोटिंग करते हैं, ठीक है गाइस? वहां पे बोटिंग का सारा सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं भाई, जुगाड़ बैठाते हैं। मोती को अगर आने दे तो ठीक है, वरना भाई जाएगा। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवजी रहा है। तो आप यही काम करते हैं ना? हम यही करते हैं, हम जट्टी जा रहे हैं। अच्छा आपका एड्रेस क्या है, कैसे आए यहाँ का एड्रेस? आप बांका से अगर आते हैं तो बांका से 7 किलोमीटर कटेली मोड़ पड़ेगा आपका, वहाँ से 8 किलोमीटर या ओढ़नी डैम पड़ता है, यहाँ बोटिंग का भी सुविधा है। तो भैया कितना प्राइस पड़ेगा पर पर्सन अगर किसी को बोटिंग करना हो तो? नॉर्मल बोटिंग कीजिएगा तो आपको 100 रुपया पर आदमी पड़ेगा, 9 सीटर का बोट है। और कोई प्राइवेट पूरा बोट ही बुक करना चाहे तो उसके लिए? 3,000 रुपये का बुकिंग आता है, 20 मिनट का राइड कराएगा, 10 मिनट वो मछली वाला जो केज देख रहे हैं ना, सेल्फी उल्फी लेने के लिए 10 मिनट वेट देगा वहाँ पे। अच्छा, 30 मिनट आपका समय देगा। ओके, और कुछ खास यहाँ पे ओढ़नी डैम के अलावा? और ये जो आइलैंड है ना देख रहे हैं, आइलैंड का उस पर आइलैंड वहाँ रिसोर्ट बना हुआ है, अभी मैंने चालू ने क्या गया है, पानी का इंतजार है, पानी अगर भर जाने के बाद वो रिसोर्ट फ्री स्टार्ट हो जाएगा। उधर 3 सेल्फी पॉइंट है, पहाड़ पे भी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आप सेल्फी ले सकते हैं। तो गाइस आपने सुन ही लिया यहाँ का इन्फॉर्मेशन भैया के द्वारा, तो आइए गाइस अपने बिहार को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बिहार टूरिज्म को सपोर्ट कीजिए, इतना खूबसूरत जगह भाई बिहार में सोचे नहीं थे होगा, किसी ने सोची ना होगी, लेकिन भाई देख लो ये बिहार ही है भाई। आपको लग रहा होगा कहीं शिमला मनाली पहुंच गए, लेकिन नहीं भाई ये अपना बिहार है, वो भी बांका। गाइस भागलपुर से लगभग 60 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चलती है यहाँ पे? नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल अभी है नहीं, क्योंकि भैया ये फेमस उतना हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू अगर बाकी जितने भी लोगों को पता चलेगा वो लोग अगर आना चाहें तो गाइस फिलहाल तो आप प्राइवेट गाड़ी करो या रिजर्व करके आ सकते हो। बाकी नजदीकी रेलवे स्टेशन आपका बांका पड़ेगा यहाँ से मंदार हिल, तो आप देख लेना गाइज। तो चलिए अभी हमने अपना बोटिंग राइड का टिकट बुक किया है और चलते हैं गाइज, हम लोग अभी बोटिंग करेंगे। मोती का भी हमने लिया है, तो इधर लाइफ जैकेट वगैरह पहना जा रहा है गाइज अभी बोट पे चलने के लिए, साथ में अपना मोती भी जाएगा बोट पे। तो गाइज यहाँ पे टूरिस्ट कम ही है टोटल, बट त्योहार के टाइम पे यहाँ भीड़ हो जाती है गाइज, जैसा कि भैया ने बताया। तो ये अपना एक बोट आ चुका है, चलेंगे भाई हम लोग अब अपना बोट, क्योंकि आ चुका है तो चलिए गाइज बोट पे मिलते हैं आप।
मोती उछलने एक्साइटेड है पूरा। ओ भाई साहब, हाँ भाई लग रहा है क्या कि उस पे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, बबल। इधर आ जाओ, डर गई है मम्मी पूरी। आराम से चलेगा तुम जी, तो इधर से आओ, चलो चढ़ो 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 कूदो। तो गाइस हम लोग बोट पे चढ़ चुके हैं, फाइनली मोती भी आ गया हमारे साथ। ये देखो मम्मी भी फाइनली चढ़ी गई मेहनत करके, और अपनी बोट अब निकल चुकी है भाई पूरा लेक में घूमने के लिए। तो गाइस ये राइड लगभग 12 मिनट की है, पूरा लेक का चक्कर आपको 12 मिनट में लगवा दिया जाएगा गाइस। रुक तो भाई, करो कैमरा में रुक तो, नानी को बोलो। हम लोग किनारे पे पहुंच चुके हैं, राइड कंप्लीट हो चुकी है, 12 मिनट अपना खत्म, अब उतरेंगे भाई। ये देखो ये डॉक है, यहाँ पे बोट लगेगी और अभी उतरेंगे हम लोग। ये देखिए गाइस आ गए हैं किनारे, अब उतरते हैं फिर मोती को भी उतारते हैं। यस आ जाओ मोती, फंस गया है, छोड़ दो, आ जाओ आप लो पकड़ के किनारे, हम नानी को लेके। तो कैसा लगा मम्मी है? आया मजा? मजा आ गया, मम्मी को भी मजा आ गया, चढ़ने में डर रही थी लेकिन चढ़ने के बाद तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शाम हो चुका है, अब घर चलते हैं भाई, चलो। A few moments later. तो दोस्तों ये ओढ़नी डैम का व्यू थोड़ी ऊंचाई से देख लो गाइस, बगल में पहाड़ था, हम लोग उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो गाइस इस समय माइक ऑफ हो गया था और ऑडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे वॉच टावर कह लो इसको, आप आओगे तो यहाँ से जरूर नजारा देखना गाइस, बहुत सुंदर दिखता है ये ओढ़नी डैम का पूरा व्यू ऊंचाई से। और भाई यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है ऊंचाई पे पहाड़ पे, आप वहाँ भी ट्रैकिंग करके जा सकते हो। तो गाइस अब गाड़ी में बैठ के सब घर की ओर निकल रहे हैं, ये लास्ट सुसु अपना करते हुए। चिलिंग मोती इज चिलिंग ब्रो।